पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए एक ही कहावत याद आती है, खाने को नहीं दाने लेकिन चले भारत को डराने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो देश एक देश से लोन लेकर दूसरे देश को लोन की किस्तें चुका रहा हो, तो आप सोच ही सकते हैं कि उस देश के कितने खस्ता हालात होंगे। दरअसल पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने कुछ महीनों पहले सऊदी अरेबिया से लोन की पहली किस्त देने के लिए चाइना से नया लोन लिया था और फिर वो पैसे सऊदी अरेबिया को किस्त के रूप में चुकाए थे। अब आप सोचिए कि जिस देश में इतने बड़े ज्ञानी हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से कौन ही रोक सकता है। आपने YouTube, Instagram, Facebook या अन्य किसी वेबसाइट पर Six for Justice या Referendum 2020 के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये शायद बिल्कुल नहीं पता कि ये सिखों का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ कश्मीर की तरह एक प्रोपेगेंडा है, जिसका भारत के सिख बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और ये बात अब भारत ही नहीं बल्कि कनाडा भी कह रहा है। वैसे ये वही कनाडा है जो एक समय पर इतने लिबरल ख्याल रखता था कि उसने अपने देश में रह रहे कुछ गिने चुने पाकिस्तानी खालिस्तानियों के लिए भारत तक से रिश्ते खराब कर दिए थे। लेकिन अब कनाडा के बड़े थिंक टैंक टेरी मिलेस्की ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है और ये बस भारत ही नहीं बल्कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे खालिस्तानी आंदोलन को भारत में कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा, जबकि कनाडा में रह रहे सिखों को पाकिस्तान बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार सिक्स फॉर जस्टिस संस्था के लोगों के संबंध पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भी हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस रिपोर्ट में वो सभी बातें कही गई हैं जो भारत सालों से कनाडा को समझाता आ रहा है, लेकिन कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन सभी कार्यक्रमों को अपने देश में चलने दे रहा था, जिसके लिए उसने भारत के साथ संबंध तक खराब कर दिए थे। मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान सिखों का इतना ही बड़ा हिमायती होता तो अपने देश में लगातार सिख समुदाय की बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और धर्म परिवर्तन को सबसे पहले रोकता। और वहीं जहां तक बात भारतीय सिखों की है, तो उनकी मांग भारत से अलग होना नहीं है, बल्कि साल 1984 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए सिख दंगों में कई निर्दोष सिखों के साथ हुए अत्याचार का न्याय मांगना है। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। जब खालिस्तान बनेगा, पहले की तरह हमारी लाशों से निकल के चले जाएगा। पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है और पंजाब हिंदुस्तान रहेगा। इस रेफरेंडम के पीछे ISI है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।